हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस आईएएस। रेस आईएएस की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हम डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता और कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स को कवर अप करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है या वुमेन्स रिजर्वेशन के ऊपर है कि वुमेन्स को पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन मिले। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2008 को रीइंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2008 जो है वो राज्यसभा में 2010 में पास हो गया था, लेकिन यह बिल लोकसभा में 2014 में लैप्स कर गया था क्योंकि जो हमारी 15वीं लोकसभा थी वह भंग हो गई थी। वुमेन्स रिजर्वेशन जो है वो हमें पंचायत स्तर पर या लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 243D के क्लॉज 3 में यह रिजर्वेशन संबंधित प्रावधान मेंशन किया गया है। वुमेन्स को यहां पर 1/3 जो रिजर्वेशन है या वुमेन्स को मिलता है, 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए आरक्षित रहती हैं। इसको लीगल स्टेटस प्रदान किया गया है पंचायती राज एक्ट 1992 के द्वारा। इससे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे संबंधित हैं। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल लेवल पर वुमेन्स को रिजर्वेशन देना या स्टेट असेंबलीज के लेवल पर वुमेन्स को रिजर्वेशन देना, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा जी के द्वारा इस तरीके का प्रॉमिस किया गया कि हम सेंटर के लेवल पर और स्टेट असेंबलीज के लेवल पर वुमेन को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वह जो बिल लेकर के आए वह बिल पास नहीं हो पाया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1998 आया, लेकिन यह बिल भी पास नहीं हो पाया। इसके बाद हम अभी सबसे शुरुआत में चर्चा किए थे कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2008 को रीइंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। अब आगे इसमें क्या होता है वो जो भी होगा हम आगे कवरअप करेंगे। इसके अलावा वुमेन्स रिजर्वेशन से संबंधित क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन से को के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि पंचायत के लेवल पर जो वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है इससे वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलता है। तो कल को अगर हम सेंटर के लेवल पर या स्टेट असेंबलीज के लेवल पर वुमेन को रिजर्वेशन देते हैं तो इससे भी वुमेन एम्पावरमेंट होगा। दूसरा तर्क यह निकल करके आता है कि समाज में जो वुमेन है वो एक हाशिए के स्तर पर है, तो अगर वुमेन को इस तरीके से कुछ रिजर्वेशन मिलता है तो इससे भी वुमेन एम्पावरमेंट होगा। इसके अलावा जो तीसरा लॉजिक ये निकल करके आता है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं या पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं इसमें वुमेन्स का प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत जरूरी होगी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ऑफ वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन के विरुद्ध में क्या क्या तर्क हैं, इसमें जो पहला तर्क ये आता है कि अगर इस तरीके का कोई वुमेन रिजर्वेशन देंगे तो यह सरकार की एक अनुकंपा मात्र होगी या वुमेन की कोई अपनी अर्जित की हुई उपलब्धि नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि समाज में फिर भी मतलब अनइक्वल स्टेटस ही बना रहेगा। दूसरा तर्क यह निकल करके आता है कि अगर वुमेन को रिजर्वेशन मिला तो जो वोटर्स होंगे उनकी जो च्वाइस होगी अपने प्रतिनिधि को चुनने की वह लिमिटेड हो जाएगी। तीसरा तर्क ये आता है कि वुमेन रिजर्वेशन का या जो मुद्दा है यह कोई इतना सीरियस मुद्दा नहीं है। सीरियस मुद्दे जो हैं वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, इस तरीके के जो मुद्दे।